अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं तू सारे खैर खरीयत नाल होवोगे, हासे रहो, आबाद रहो, तो सानू अपनी दुआ में याद रखो। मैं तजम्मल सरवर चौक आदम, तो तुसी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो पिंड दा मुंडा 401। हमेशा की तरह तमाम नए आने वाले दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि साडे चैनल को सबसक्राइब करो, ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो और नाल लगे हुए घंटी के बटन दबाना मत भूलना, ताकि साडी हर नई मजीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक आसानी पहुँच सके। अज असी तुहानू लैके आए हैं एक ऐसे पुरअसरार मकबरे ते जिहड़ा सदियां साल पुराना है, और इस दे नाल नाल इस मकबरे नू वेखण तो बाद तुसी यह कह सकते हो कि इस मकबरे दे नाल लगे हुए सदियां साल पुराने दरख्त नाल यह मकबरा लटक रहा है, क्योंकि इस मकबरे नू चारों साइडां तो इस घने और कदीमी दरख्त ने इस तरह अपनी लपेट अंदर लिया होया कि कोई इंसान डरता होया इस मकबरे की हद विच दाखल नहीं होंदा। मकामी रवायात के मुताबक कोई भी बंदा इस दे अंदर नहीं जाता और ना ही अंदर दाखिल होने की जसारत रखता है, लेकिन असी कोशिश करांगे इस दे अंदर जाने की और इस पूरे मकबरे नू दिखान दी। इस सब कुछ वेखन लई तुसी साडी वीडियो नाल जुड़े रहना है और वीडियो नू बिना स्किप किए हुए शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखना है, ताकि तुसी भी इस पूरा सरार मकबरे की हकीकत नू देख सको। बरगद के तारीखी दरख्त की ओट अंदर छुपया होया यह पुरअसरार मकबरा कैसा है और इस मकबरे की अहमियत मुसलमान और हिंदू दोनों मजाहब अंदर की है, और इस मकबरे नाल बने हुए कदीमी मंदिर का की वास्ता है, यह वो सवालात ने जिन्हों जानने लई अज असी इस जगह पर मौजूद हाँ। सब तो पहले असी गल करते हैं इस मकबरे के महल्ले वकूह के बारे कि यह मकबरा किस जगह पर वाकया। लिया शहर विच जनूब मशरकी साइड ते बनया होया रेलवे ट्रैक दी मशरकी पटड़ी तो यह मकबरा महज 50 फुट की दूरी ते मौजूद माता रानी मंदिर के बिल्कुल अकब विच मौजूद है। जिस तरह के असी अपनी पिछली वीडियो अंदर मंदिर की हिस्ट्री बारे दसिया सी, और यह भी दसिया सी कि लिया के कदीमी हिंदू किस भगवान की पूजा करते सन। अगर किसी दोस्त ने साड़ी पिछली वीडियो नहीं देखी जाके तुसी देख सकते हो, ताकि तुसी इस जगह की मुकम्मल हिस्ट्री बारे जान सको, क्योंकि यह दोनों तारीखी मकाम एक नाम नाल ही मनसूब ने। इस मकबरे के बारे मुख्तलिफ आरा ने, कुछ मकामी रवायात ने, लेकिन तारीख के अंदर इस जगह की कोई खास रवायत मौजूद नहीं मिलती। हाँ, अलबत्त अल्लाह ताला ने इंसान नू अकलो फहम दिती है और इंसान सदियों तो अपनी अकलो फहम नू इस्तेमाल करदिया होया इन्हां पुरअसरार मकामात की खोज अंदर अपनी अकल दे घोड़े दौड़ांदा होया नज़र आंदा है। जिस तरह के अज का दौर इंटरनेट और सोशल मीडिया का है, और हर इंसान इन्हां ज़राए नू इस्तेमाल करदिया होया तारीख बारे जानने की कोशिश करता है, और कुछ लोग इन्हां पुरअसरार मकामात की तारीख जानने लई मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ जगह दियां कड़ियां आपस में जोड़ते हैं। और असी अज इस जगह पर मौजूद हाँ, असी जाने 300 साल पिछे जिस टाइम इस ज़िला लिया के अंदर हिंदू राज कायम सी और लोग बुतां की पूजा करते सन। ज़िला लिया के अंदर कुल 10 मंदिर मौजूद सन, लेकिन हिंदुओं की इबादत का मरकज़ लिया शहर हुंदा सी। बिल्कुल इस तरह जिस तरह साडे मुसलमानों दियां मस्जिदां ने, हर गली मुहल्ले अंदर मस्जिद बनी हुंदी है और उस शहर अंदर या इलाके अंदर एक जामिया मस्जिद भी हुंदी है। बिल्कुल ऐसे तरह हिंदू बेशक किसी भी भगवान की पूजा करन, लेकिन माता रानी देवी की अहमियत सब तो ज़्यादा हुंदी है। माता रानी देवी नू विष्णु देवी भी कहिंदे ने, और यह देवी हिंदू मज़हब अंदर आला मुकाम रखती है। लेकिन इत्थे यह सवाल पैदा हुंदा कि यह मकबरा आखिर किसका है, क्योंकि हिंदू अपने मुर्दे नू जलांदे ने। यह मकबरा इस औरत दा है जिहड़ी अपने हिंदू मज़हब नाल इस कदर अकीदत रखती सी कि दिन रात इस मंदिर के अंदर बने हुए एक मखसूस मकाम ते डेरा लाए रहिंदी सी। और वक्त गुजरता गया, 12 साल की रियाजत तो बाद उसनू कुछ भी हासिल ना होया, तो उसने गुस्से विच आ के विष्णु देवी की बनी हुई मूर्ति तोड़ दिती। इस फेल की वजह तो मकामी हिंदुओं ने उसनू कतल कर दिता और इस मंदिर के अकब विच ही उसनू मट्टी अंदर दबा दिता गया। मकामी लोग कहिंदे ने कि वह मुसलमान हो गई सी, लेकिन रवायात अंदर कोई भी ऐसी पुख्ता शवायद नहीं मिलते कि वह मुसलमान हो गई सी, क्योंकि हिंदू मज़हब नाल तल्लक रखने वाले लोग भी इस जगह पर आते हैं और मुसलमान भी इस जगह पर आते हैं। वल्लाहु आलम।
और कहंदे ने कि इस जगह ते जैस नू मतलब चंद्रा वगैरह निकलिया होवे या खसरा वगैरह निकलिया होवे, आम लफ्जां विच दाने निकल आंदे ने बच्चियां नू, वो निकलिया होवे जिल्द ते जिस्म ते, ते वो इस जगह ते आंदे ने, इस जगह ते हाजरी लवांदे ने और इस जगह ते छुहारे मिलदे ने वो खांदे ने ते उस तो बाद जिहड़ी उन्हां दी वो बीमारी हुंदी आ उस नू शफा याब हुंदे ने। और यह तुसी देख रहे हो चारों साइडां ते जिहड़ा इहदा दरख्त आ बहुत ही घना जिहड़ा वो दरख्त आ, उस दरख्त ने अपनी लपेट अंदर इस मकबरे नूं लिया होया। और यह जिहड़ी एक तुसी गुंबद नुमा एक पत्थर देख रहे हो यह भी पुराने वक्तां दा ही इस जगह ते पिया होया, और कोई बंदा भी इस दा जिहड़ा असीं इस टाइम मौजूद हाँ इस दे अहाते दे विच, और कोई बंदा भी इस दे अहाते दे विच भी नहीं जांदा डरदा होया, क्योंकि यह दरख्त जिहड़ा कहिंदे ने कि असेब ज़्यादा दरख्त है। और मतलब जिहड़े लोग जांदे ने अपनी कोई मन्नत वगैरह मंगदे ने वह जिहड़े लोग इस जगह पर अगर दाखल हुंदे भी उन्होंने हार शार जिहड़े वह लटकाए हुए ने। और इस दा जिहड़ा दरवाज़ा वा इस मकबरे का वह बहुत ही छोटा जिहा दरवाज़ा है और अंदर बिल्कुल अंधेर खूब है, और कोई भी बंदा जिहड़ा वह खासकर इस मकबरे की चार दीवारी के अंदर तो बिल्कुल भी जान की जसारत नहीं कर सकता। और जिहड़ा यह सहन बनया हुआ वा सहन के अंदर भी जिहड़ा तुसी अगर जाना चाहते हो तो बहुत ही घना दरख्त है, और दरख्त के अंदरों गुजर के बमुश्किल इस दे अंदर सहन के अंदर दाखिल होंगे, उस तो बाद इस सहन के जाते हो। और यह जड़ियाँ दरख्त दियाँ तुसी यह शाखा देख रहे हो बहुत ही वड्डियां जड़ियाँ मोटियां शाखा जड़ियाँ बिल्कुल लटक रही ने इस चार दीवारी ते और छत ते और साइड ते इहदी जड़ी मगरबी दीवार है इस मकबरे की वह बिल्कुल ही मतलब बुसीदा हालत दे विच है। तुसी हुण तुहानू असीं कोशिश करदे हां अंदरों दिखाउण दी कि अंदर की चीज़ मौजूद है। और यह जिहड़ा बिल्कुल ही एक छोटा जिहा सुराख नुमा तुसी कह सकते हो कि दरवाज़ा है, अगर कोशिश करो ये अंदर जाने की तो अंदर बंदा बड़ी मुश्किल नाल अंदर जा तो सकता है, लेकिन असी सोचते हैं कि सानू इस के अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोई भी डरता हो इस के अंदर नहीं जाता। और हकीकत है कि तुसी इस टाइम जिस टाइम इस जगह पर जाते हो तो ताड़े भी जड़े वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मतलब जिसम के इंसान के लूह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन जगह पर जड़े पुरानिया जगह होंदिया ने या कदीमी दरख्त होंगे ने उन जगह पर असेब वगैरह का लाजमी साया हों। उम्मीद करते हैं अज की साड़ी वीडियो तुम्हें जरूर पसंद आई होगी, मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने वास्ते जिन्हों दोस्तों ने हाले तक साडे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया उन्होंने रिक्वेस्ट है कि साडे चैनल में सबसक्राइब करो, ज़्यादा शेयर करो, ना लगे हुए घंटी के बटन को दबाना मत भूलना ताकि साड़ी हर नई मजीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक आसानी पहुँच सके। सानू तो इजाजत मिलते हैं असं अपने नवे व्लॉग अंदर, अल्लाह निगेबान।